हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वंस अगेन आई वेलकम यू इन द टुडे साइंस क्लास। एज यू नो, वी स्टडी अबाउट अवर द वन मेजर ग्रुप नेम दैट इज द फंजाई और फंगस। उसमें बेटा हमने बहुत सारी बातें कल पढ़ी थी, हैबिटेट, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन। उसके बाद आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज द बेनिफिशियल फंजाई। मतलब हमने आपको बताया कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप होते हैं ना, उनमें दो एस्पेक्ट अपने को देखने पड़ेंगे कि उनके बेनिफिशियल कौन से हैं और हार्मफुल कैसे हैं। हर ग्रुप में स्टडी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेनिफिशियल फंजाई। इसमें फर्स्ट नंबर टॉपिक आता है बेटा आपके पास बेकरीज एंड ब्रेवरीज। दोनों टॉपिक को ध्यान से समझना। बेकरीज मतलब होता है आपके बेकरी आइटम के रिगार्डिंग। बेकरी आइटम से मींस क्या हुआ, दैट इज द ब्रेड, बिस्किट, केक, पेस्ट्री, इससे रिलेटेड जो बात होती है उसको बोलते हम बेकरीज। और इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है बेटा एक फंगस का, जिसका नेम होता है यीस्ट। वो यूनिसेलुलर होती है। यीस्ट इज द फंगस विच इज लार्जली एम्प्लॉयड इन बेकरीज एंड ब्रेवरीज। मतलब ये जो यीस्ट फंगस होता है ना यूनिसेलुलर, तो उसमें वो अपने इसमें बेकरी इंडस्ट्री में और ब्रेवरी इंडस्ट्री दोनों में काम आता है। बेकरी का मतलब हमने बता दिया और ब्रेवरी का मतलब होता है वाइन इंडस्ट्रीज। यहां पर एक बात हमने बता रखी है, यीस्ट जो होता है अंडरगोज एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड देन इट इज नोन एज फर्मेंटेशन। अपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा बेटा, सेवंथ क्लास के अंदर, टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक और एनारोबिक। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर यीस्ट के अंदर होता है तो उसका प्रोसेस का नेम क्या होगा, दैट इज फर्मेंटेशन। अब फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है, सुनिए आप। ग्लूकोज होता है बेटा, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है। जब यीस्ट की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई मीन कहने का क्या हुआ कि इसमें ये जो CO2 निकलेगी ना, ये CO2 जो आपके ब्रेड और इडली वगैरह होती है उनको सॉफ्ट और फ्लफी बनाने के लिए काम आती है। यहां पर देखना ये, तो इतनी सारी बात समझ में आ गई आपको। यहां पर बता रहे हैं हम आपको, द CO2 रिलीज कॉजेस द डॉफ टू राइज इन केस ऑफ ब्रेड एंड इडली मेकिंग देम फ्लफी। Because of this property, yeast is largely used for cake, pasties or dhokla. मतलब इस प्रॉपर्टी की वजह से, मतलब जो यीस्ट होते हैं ना वो इसके अंदर काम में ली जाते हैं। ओके, इसके बाद एक और बात बता रहे हैं आपको, इट इज ऑल्सो यूज That is alcohol और ये C2H5 होता है इसका फॉर्मूला। तो हम ये कह रहे हैं आपसे कि ये जो CO2 जो निकली, yeast की बात कर रहे हैं, it is also used in the production of alcohol and wines। अब देखो यहां पर हम वाइन इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। यहां तक की जो बात हुई आपके पास, ये तो बेकरी इंडस्ट्रीज की हो गई। बेकरीज टर्म से मतलब है बेकरी इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें यीस्ट फंगस का यूज होता है जो यूनिसेलुलर होती है। और अब हम ब्रेवरीज की बात करें, ब्रेवरीज का मतलब होता है वाइन इंडस्ट्रीज, उनमें इनका क्या रोल होता है, सुनिए। यहाँ पर कुछ बात आ रही है यीस्ट के बारे में बात करें, यीस्ट इज ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। इसमें होता है क्या, सुनो एक सिंपल एक लाइन में बात बता रहा हूं मैं आपको। बार्ले, वीट, राइस या फिर क्रश्ड जो फ्रूट जूस होते हैं ना, उनमें फर्मेंटेशन प्रोसेस करवाया जाता है। और फर्मेंटेशन मींस क्या हुआ, ए प्रोसेस विच टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कि उसको
जैसे सपोज ग्रेप्स जूस वगैरह है या बार्ले वीट कुछ भी है, उनको हम क्रश्ड करके और 12 आवर्स या 24 आवर्स के लिए फर्मेंटेड होने के लिए रख देते हैं, जो उसके रिगार्डिंग वैसी ही अल्कोहल आपको वाइन आपको मिल जाएगी। ये बात तो रही बेटा आपने किसके बारे में, अबाउट द बेकरी एंड ब्रेवरीज। फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर बेनिफिशियल फंजेस। अब इसके बाद आगे की बात बता रहा हूं बेटा, सेकंड टॉपिक क्या होता है देखना। सेकंड टॉपिक का नेम आना है आपके पास प्रिपरेशन ऑफ द चीज। चीज का मीन्स आप समझ रहे हैं डेयरी प्रोडक्ट से होता ही है। और यहां पर देखिए क्या इंपॉर्टेंट रोल इसमें होता है। सेकंड नंबर दैट इज प्रिपरेशन ऑफ चीज, प्रिपरेशन ऑफ चीज। देखिए क्या लिखा है इसमें, वेरियस स्पेसीज ऑफ पेनिसिलियम आर यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द चीज। बेटा एक नेम बता रहे हैं हम आपको, पेनिसिलिन। यस दैट इज पेनिसिलियम। पेनिसिलियम, ये पेनिसिलियम क्या होता है, एक तरह का फंगस होता है। फंगस मतलब स्पेसीज होती है बहुत सारी, और ये काम आता है फॉर मेकिंग वेरियस टाइप ऑफ चीज। इन मेकिंग वेरियस टाइप्स ऑफ चीज, प्लीज रिमेंबर हियर वेरियस टाइप्स ऑफ चीज। ओके सर, थर्ड पॉइंट देखना बेटा, यहां पर बता रहे ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा सेवंथ क्लास के टॉपिक पे बात करना, एसिड बेस और साल्ट। उसमें बेटा हमने एक बात पढ़ी थी, कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो नेचर में अवेलेबल होते हैं उसको हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, और कुछ मिनरल से ऑब्टेन होते हैं उनको मिनरल एसिड बोलते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बहुत सारे एसिड होते हैं, ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये भी आपको फंगस से मिलते हैं। इसके नेम लिख करके देख रहे हैं आप, देखो ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड याद रहेगा आपको। और नेक्स्ट नंबर सिट्रिक एसिड, ये ऑर्गेनिक एसिड ऐसे हैं जो कि आपको फंगस से ऑब्टेन होते हैं। और नेक्स्ट नंबर होगा ग्लूकोनिक एसिड, ये किसमें होते हैं ये आप लोग फाइंड आउट करना, फिर कोई ट्रबल हो तो बात करना। मतलब मैं यह बता रहा हूं कि जितने भी एसिड्स हैं ये सब फंगस की वजह से यूज आते हैं, इनसे फंगस से मिलते हैं ये लोग, ग्लूकोनिक एसिड। और नेक्स्ट नंबर लैक्टिक एसिड, इसमें कुछ बातें हम बता रहे हैं आपको। सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में होता है, लैक्टिक एसिड में होता है, और इन दोनों का आप पता करके बताना नेक्स्ट में क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आ रहा है बेटा फोर्थ नंबर टॉपिक, दैट इज अबाउट द विटामिन्स। यू नो विटामिन्स, दे आर इन द कैटेगरी ऑफ द प्रोटेक्टिव फूड। अपन जितना भी फूड लेते हैं ना उसमें एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड होता है, तो विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं वो प्रोटेक्टिव फूड के अंदर आते हैं। यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको ये चीज है गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। Please remember what we are saying, yeast is a good source of vitamin B complex, vitamin B complex, or it is useful in the absorption of the food. तो ध्यान रखना, ये इतनी सारी बात समझ में आ गई।
नेक्स्ट नंबर पॉइंट देखना बेटा, फिफ्थ, दैट इज अबाउट द फूड. आपको पता है इन द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन मेनी कंट्रीज फेस द प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू द फूड. तो यहां पर कुछ बात आ रही बेटा, सेवरल मशरूम, फंगस के अंदर भी एक नेम सुना होगा आपने, दैट इज मशरूम. इसकी भी अलग अलग स्पेसीज होती हैं, तो कुछ स्पेसीज फूड की फॉर्म में काम में ली जाती है, उसके टू नेम सारे हैं, एग्रीकस और मोर्टेला. इसमें फर्स्ट नंबर एग्रीकस और सेकंड नंबर होगा मोर्टेला, दैट इज ये फूड की फॉर्म में काम में लिया जाता है. और इसके अलावा इडली, डोसा, ढोकला आर फर्मेंटेड विद द हेल्प ऑफ यीस्ट, आपको पता है ही सही. और उसके बाद इसका एक नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है जो कि बेनिफिशियल का लास्ट होगा, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स. अब जैसे अपन ने बैक्टीरिया की एंटीबायोटिक्स लर्न की थी ना, वैसे ही वहां पर हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स ऑफ ऑब्टेन फ्रॉम द फंगस. ध्यान से देखना बेटा, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स. अब कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स फंगस से मिलती है, उसमें सबसे पहला नेम होगा बेटा पेनिसिलिन. जीके क्वेश्चन में भी आता है, पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम द फंगस नेम द पेनिसिलियम नोटेटम. दूसरे और भी नेम है, उनको हम बोल के बता रहे हैं, क्राइसोगेनम, सेफेलोस्पोरिन फ्रॉम द आर्किमोनियम एंड ग्रिसेफुल्विन और फ्रॉम ग्रिसेफुल्विन. ओके, दिस इज एनफ फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.